निजी स्कूल संचालकों ने लॉकडाउन के दौरान अपने जीवन यापन पर गहराया संकट को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रशासन का 12 बिंदुओं की ओर ध्यान भी आकर्षित किया। दरअसल लॉकडाउन के चलते निजी स्कूल 16 मार्च से बंद है, जिससे उन पर आर्थिक संकट गहराता नजर आ रहा है। उन्होंने 12 बिंदुओं के ज्ञापन को तहसीलदार को सौंपकर समस्याओं का निराकरण करने की बात कही। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स सोपान संगठन के अध्यक्ष लखनलाल शर्मा ने बताया कि मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए एवं मान्यता शुल्क भी समाप्त किया जाए, ताकि निजी स्कूल संचालकों पर अतिरिक्त भार न पड़े। निजी विद्यालयों में निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत पढ़ने वाले बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति 18-19 एवं 19 का भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, वह शीघ्र भुगतान कराया जाए। उन्होंने बताया कि जिले में चल रहे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं जिले के कुल 300 निजी विद्यालय पर ताला लगने की कगार आ चुकी है। वर्तमान में जिले में निजी विद्यालय में कार्य कर रहे लगभग 16,000 शिक्षक तथा कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे 16,000 परिवार संकट में आ जाएंगे। उन्होंने शासन से निवेदन करते हुए कहा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की उपरोक्त नीति में परिवर्तन कराने की कृपा करें। मांगे पूरी करो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के लिए दमनकारी नीति बनाए हुए है। हमारे आरटी के पेमेंटों का भी अशोकनगर जिले में भुगतान नहीं किया जा रहा है। गलत तरीके से प्राइवेट स्कूलों को जांच के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा है। साथ ही पिछले 6 माह से हमारे विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी शिक्षकगण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। इसलिए हम शासन से चाहते हैं कि हमारे विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में वो शीघ्र निर्णय लें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।